हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग पावर। आज के इस सेशन में मैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET के बारे में डिस्कस करूँगा। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, कैंडिडेट्स जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं वो होते हैं जो कैंडिडेट BEd क्वालिफाई होते हैं या फिर DLED या BLED क्वालिफाई होते हैं। वो कैंडिडेट CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले आज जो मैं बात करूंगा और CTET पेपर वन के बारे में बात करूंगा। CTET पेपर वन जो होता है वो ऐसे एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट जब एलिजिबल हो जाते हैं, CTET क्वालिफाई हो जाते हैं, तो वो कैंडिडेट 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है उसमें 5 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन 5 टॉपिक को मैं आपको डिस्कस करूंगा जो इसके सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन में अगर बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाइल्ड पेडागोजी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चन के लिए आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। वैसे ही अगर दूसरा सेक्शन की बात करें, दूसरा सब्जेक्ट की बात करें, तो इसमें आता है लैंग्वेज वन में आप जो है आप कुछ भी जो सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन सब में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई एक सब्जेक्ट आप लैंग्वेज वन में और लैंग्वेज टू में भी। ये कंपल्सरी होते हैं, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में से क्या सिलेक्ट करते हैं। लैंग्वेज वन जो होता है वो भी 30 मार्क्स का होता है। उस 30 मार्क्स में आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 30 मिनट्स के होते हैं। वैसे ही अगर बात करें लैंग्वेज टू की तो सेम प्रोसेस है, उसका भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 एंड मार्क्स जो उसके लिए दिए जाते हैं वो भी 30 मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ सेक्शन आता है, जो फोर्थ सब्जेक्ट होता है उसमें पेपर वन में, वो मैथमेटिक्स का होता है जिसके लिए आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, 15 क्वेश्चंस जो होता है वो पेडागोजी का होता है और 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का होता है। तो इन दोनों को मिलाकर के 30 क्वेश्चंस होते हैं और इन 30 क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स दिए जाते हैं वो 30 मार्क्स होता है। और उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट होता है आपका वो है आपका EVS, जिसको आप लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी बोलते हैं। EVS में जो होते हैं इसमें भी 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके EVS का होता है और 15 क्वेश्चन EVS का ही पेडागोजी होता है, जो मिलाकर के 30 क्वेश्चन बनते हैं और 30 क्वेश्चन के लिए आपको नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो 30 दिए जाते हैं। बात करें अगर टोटल क्वेश्चंस की, अगर इन 5 सेक्शंस को अगर मिला करके अगर आप देखते हैं तो आपके टोटल क्वेश्चंस बनते हैं 150 क्वेश्चंस, जिसके लिए मार्क्स आपको दिए जाते हैं 150 मार्क्स का पेपर होता है आपका और 150 क्वेश्चंस भी होते हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइमिंग होता है इसका वो 150 मिनट ही होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है ये। और इसके लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, तो सबसे अच्छी बात है आपके लिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 2.5 घंटे में अच्छे से इस पेपर को करते हैं और क्वालिफाई हो जाने के बाद आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में को क्वालिफाई कर लेते हैं, जिसके लिए आपको इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 7 ईयर्स की होती है। और जैसे ही आप CTET क्वालिफाई होते हैं, अच्छा CTET क्वालिफाई होने के लिए आपको 60% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं, मीन्स कि जो कैंडिडेट 90 मार्क्स लाते हैं वो CTET क्वालिफाई हो जाते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर वन जो है वो काफ़ी इजी आता है। वैसे कैंडिडेट जो इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अगर क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक के NCERT बुक जो होता है उसके मैथमेटिक्स को अच्छे से अगर बना लेते हैं तो इसी से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, और आप EVS में भी ऐसा कर सकते हैं। तो इन दो सब्जेक्ट्स को आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके साथ साथ जो सबसे अच्छा रोल प्ले करता है वो करता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में अगर आप
अच्छा कमांड कर लेते हैं तो इस एग्जाम को निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो ये CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वैसे कैंडिडेट्स को एक सुनहरा अवसर देता है जो किसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जो अपना करियर टीचिंग के फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो टीचिंग कैंडिडेट्स के लिए जो टीचिंग एग्जाम से अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। वो BEd क्वालिफाई करके या फिर बात करें तो BTC या फिर DLED या BLED क्वालिफाई करने के बाद CTET का एग्जाम दे सकते हैं। बात करें अगर महिलाओं की तो महिलाओं के लिए जो होता है सबसे अच्छा करियर होता है टीचिंग एग्जाम्स का, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छा अवसर होता है कि वो जॉब के साथ साथ अपनी फैमिली को भी देख सकते हैं और अपना टीचिंग में अच्छा करियर भी बना सकते हैं। ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे learningpower.in पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे CTET के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, कब एग्ज़ाम्स होता है सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाता है। तो टाइम टू टाइम अगर आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करते रहेंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पता चलता रहेगा। तो आज के सेशन में मैंने आपको डिस्कस किया सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर वन का। पेपर वन में जो कैंडिडेट अपना देखते हैं और देना चाहते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी CTET पेपर वन का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरे सेशन में मैं आपको CTET पेपर टू के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसमें उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और कैसे उसका प्रिपरेशन करेंगे वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।